हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवि। एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की, जिन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। दरअसल खबर यह है कि सौरव गांगुली के जो बड़े भाई हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसी सूरत में सौरव गांगुली ने भी खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। दुनिया भर में तांडव मचा रहा कोरोना वायरस अब क्रिकेट से जुड़े लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्नेहाशीष गांगुली कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। स्नेहाशीष को कुछ दिनों पहले बुखार आया था, जिसके बाद उन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया। बुधवार को देर शाम स्नेहाशीष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद स्नेहाशीष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताते चले कि इससे पहले जून में भी स्नेहाशीष की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस समय सामने आकर खुद को पूरी तरह से स्वस्थ बताया था। स्नेहाशीष बंगाल के पूर्व रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं और बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बड़े भाई हैं। बड़े भाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए होम क्वारंटाइन हो गए हैं। हालांकि गांगुली ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सौरव गांगुली इन दिनों आईपीएल के 13वें सीजन के आयोजन को लेकर काफी व्यस्त थे। इस साल 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के 13वें सीजन को कोरोना वायरस की वजह से ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब गांगुली को पूरी उम्मीद है कि इस साल आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन किया जा सकेगा, क्योंकि आईपीएल के लिए जिस विंडो की तलाश थी वो मिल चुकी है। एशिया कप रद्द होने के बाद आईपीएल का रास्ता लगभग साफ है। बीसीसीआई को अब बस इस साल अक्टूबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2020 के स्थगित या रद्द होने का इंतजार है। आईसीसी अगले हफ्ते टी20 वर्ल्ड कप पर फैसला सुना सकती है। टी20 वर्ल्ड कप पर फैसला आते ही आईपीएल का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कोरोना वायरस पहले भी कई क्रिकेटर्स को अपनी चपेट में ले चुका है। इसमें शामिल हैं बांग्लादेश के मुशरफ मुर्तजा, वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि दोनों ही खिलाड़ियों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। इसके अलावा पाकिस्तान के कई खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। क्रिकेट में कोरोना वायरस के पहले भी कई केस सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मुशरफ मुर्तजा भी जून में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुर्तजा ने भी हाल ही में सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उनकी नई रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि उनकी पत्नी अभी भी पॉजिटिव है। मुर्तजा के अलावा पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। कोरोना वायरस से रिकवर हुए अफरीदी को काफी दिन हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। इंग्लैंड के दौरे पर जाने से पहले पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों का टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से 10 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि दूसरे टेस्ट में 6 खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन 4 खिलाड़ियों की रिपोर्ट दूसरी बार भी पॉजिटिव ही आई थी। इन 4 खिलाड़ियों में इमरान खान, कशीफ भट्टी, हैदर अली और हारिस राउफ हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।